अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मजारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज समाज में जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो मौजू नहीं, एक मर्ज़ है। एक ऐसा मर्ज़ जिसके बारे में बात करना इस ए ह्यूज टैबू। एक ऐसा मर्ज़ जिसके साथ एक बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच्ड है हमारे माशरे में। एक ऐसा मर्ज़ जो ख़वातीन, बच्चों, मर्दों, ख्वाजा सराओं में तेज़ी से फैल रहा है पाकिस्तान में, मगर हम बात नहीं करना चाहते इसके बारे में। वो मर्ज़ है HIV/AIDS। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसके बारे में बात खुलकर नहीं की जाती, लिहाजा लोग इसको छुपाते हैं। इलाज कराना तो दूर, लोग टेस्ट भी नहीं कराते। और इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है कि अगर कोई शख्स हिम्मत करके दुनिया को ये बताए कि हाँ मुझे HIV/AIDS है, फॉर वट एवर रीज़न आई गॉट इट, लोग उसे सोशली आइसोलेट कर देते हैं। हमारा तंज, हमारे सख्त अल्फाज, हमारा मीन एटीट्यूड, हमारे समाजी रवैये उनकी दिल आज़ारी करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो शायद HIV/AIDS से तो ज़िंदा बच जाएं, सोशल आइसोलेशन उनको मार देती है। तो आइए आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हम HIV/AIDS आखिर में है क्या, HIV में, AIDS में क्या फ़र्क है, कैसे फैलता है, क्या ये क्यूरेबल है या नहीं, और इसके साथ साथ आज हम कोशिश करेंगे अपने समाजी रवैयों को बेहतर करने की। वो जिस तरह कहते हैं ना कि मर्ज़ से नफ़रत कीजिए, मरीज़ से नहीं। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कुछ अलार्मिंग स्टैट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए देखते हैं। HIV/AIDS एक ऐसा वायरस है जो इंसान की कुव्वत मुदाफत को कम करके उसे मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला करने का बाइस बनता है। पाकिस्तान एशिया का दूसरा मुल्क है जहां एड्स का मर्ज तेजी से फैल रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में HIV से मौत का शिकार होने वालों की तादाद 6,50,000 है, जबकि इस मर्ज से मुतासर अफराद की तादाद 3,80,00,000 से जायद है। पाकिस्तान में इस बीमारी से मुतासर अफराद की तादाद 1,65,000 है, जिनमें 70% मर्द, 33% खवातीन और 3% बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान में एड्स के इलाज के लिए कुल 45 मराकज मौजूद हैं, जहां रजिस्टर्ड मरीजों में से सिर्फ 22% अफराद ही इलाज के लिए आते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान में HIV के शिकार अफराद में इजाफा देखने में आया है। एड्स के फैलाव की बड़ी वजह इस्तेमाल शुदा सरेंजों का दोबारा इस्तेमाल, गैर रजिस्टर्ड ब्लड बैंक, जिनसी बेराह रवी, नौजायदा बच्चे के वालिदैन में से किसी को ये मर्ज होना और आलूदा आलात और औजारों का इस्तेमाल है। इस बीमारी को छुपाने की सबसे बड़ी वजह हमारे मुआशरे का मनफी रवैया और इम्तियाजी सलूक है, जिसका HIV से मुतासर अफराद को सामना करना पड़ता है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में एड्स से मुतासर अफराद में से सिर्फ 16% ही टेस्ट करवाते हैं और महज 9% एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की सहूलत हासिल करने की इस्तेदात रखते हैं, जबकि इनमें से सिर्फ 25% अफराद ने मुतलिका मरकज में अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है। एड्स के फैलाव को रोकने और उसके खात्मे के लिए सरकारी सतह पर इकदाम करने के साथ साथ गैर सरकारी तंजीमों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। रिपोर्ट आपने देखी, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को, अपनी फ्यूचर जनरेशंस को इस मर्ज से महफूज करें, हमें बात करनी होगी। इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने सोचा कि हम HIV/AIDS पर एक पूरा प्रोग्राम करें। बहुत एस्टीम्ड पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मलिक उमेर ने, आप ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर हैं एट NACP यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। देन वी हैव प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास जहीर विद अस, यू आर फॉर्मर नेशनल प्रोग्राम मैनेजर एट NACP एंड करंटली यू आर ग्लोबल एडवाइजर ऑन ब्लड सेफ्टी एट WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव डॉक्टर साइमा पराचा विद अस, आप एडवाइजर HIV हैं एट NACP। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर साइमा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। सबसे पहले तो ये बात बड़े आम फहम अल्फाज में हम सबको बताइए कि HIV और AIDS क्या ये एक ही मर्ज के दो नाम हैं या ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानने की जरूरत है? जी बिल्कुल। HIV जो है बेसिकली दोनों जो है इनमें एक फर्क ये है, HIV एक इन्फेक्शन है, एक वायरस है जो कि रिस्की बिहेवियर, कंटामिनेशन, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस की वजह से एक इंसान के जिस्म में एंटर हो जाता है। जब ये वायरस इंसान के जिस्म में एंटर होता है तो वहाँ ये उनके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और एक इंसान के बॉडी के अंदर एक
tussle between the good defensive mechanism and this invading virus takes place. अब बात आती है कि वायरस एंटर हो गया, उसने इंसान की बॉडी को डैमेज करना शुरू कर दिया. व्हाट नेक्स्ट? जब एक इंडिविजुअल बेस्ड ऑन हिज असेसमेंट, हिज और हर असेसमेंट, या उसको लगता है कि शायद कोई ऐसी उसने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, कोई उसने सर्जिकल प्रैक्टिस उसकी हुई, या कोई ऐसी चीज हुई जहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल की जो प्रैक्टिस है या सेफ बिहेवियर है उसको वायलेट किया गया, और वो टेस्ट की तरफ जाता है. द पर्सन गेट्स टेस्टेड एंड इज इनिशिएटेड ऑन ट्रीटमेंट. अदरवाइज इफ द वायरस इज अनअलाउड टू कंटिन्यू इट्स अटैक ऑन द ह्यूमन बॉडी, समवेयर डाउन द रोड एड्स डेवलप्स. AIDS is an acquired immunodeficiency syndrome where the multiple organs or the multiple systems of the body, they succumb to the HIV virus, and as a result, they are manifested clinically in the form of multiple infections or malignancies. So the difference between the two of them is, initially it's an infective phase that if is allowed to continue unabated or unchecked, it will progress into AIDS. बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहिबा. डॉक्टर मलिक बताइए कि कैसे पता लगे किसी शख्स को कि उसकी बॉडी में HIV का वायरस मौजूद है या खुदा ना खास्ता उसको एड्स है. व्हाट आर द सिम्टम्स? बहुत अर्ली स्टेज पर कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता, ये कोई अलामत नहीं होती. हमारे पास आमतौर पर जो मरीज आते हैं अस्पतालों में वो बार बार डायरिया या बार बार निमोनिया या उनका नज़ला ठीक नहीं होता या वज़न कम हो रहा होता है. तो मेजॉरिटी जो लोग अस्पतालों में आ रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक सिम्टम के साथ नहीं आ रहे, लेकिन मॉलेज को ये देखना चाहिए कि मरीज़ बार बार आ रहा है, उसका डायरिया ठीक नहीं हो रहा, उसका वज़न कम हो रहा है, उसको निमोनिया हो रहा है, फ्लू बार बार हो रहा है, तो फिर हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत तो कम नहीं हो रही. फिर जब मॉलेज सस्पेक्ट करता है फिर वो टेस्ट करता है. सही. तो उसके बाद फिर टेस्टिंग के बाद ही फिर ये जो HIV की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है. यानी कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है और आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना है तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो कुछ टेस्ट्स आपको लिख कर दे, जिसमें हम इस पर भी आएंगे कि वो क्या टेस्ट्स हैं. कुछ जो हमारी गर्दन की या बगल की जो गठिया हैं, लिम्फ नोड्स जिन्हें कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं. लेकिन अमूमी तौर पर मरीज की कोई स्पेसिफिक साइन सिम्टम नहीं है कि वो ये हम कहें कि जैसे कैंसर में होता है या ब्लड प्रेशर में होता है कि जिसकी शिकायत से हो. ठीक. डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि हमेशा कहा जाता है जिस तरह कैंसर एक मर्ज है कि अर्ली डिटेक्शन इज़ बेटर, HIV एड्स में भी क्या अर्ली डिटेक्शन इज़ बेटर ताकि जल्द से जल्द इसको क्योर कर सकें? जी यकीनन, जितना जल्दी डायग्नोज होगा HIV की इन्फेक्शन उतने ही मरीज़ के लिए ये अच्छा है. और जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन हैं, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन HIV इन्फेक्शन के बारे में, वो ये हैं कि जैसे ही इन्फेक्शन हो ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाए. पहले ऐसा नहीं था. पहले ये रिकमेंडेशंस थी कि वायरस जो है वो एक ख़ास मकदार तक जिस्म में होगा तब ट्रीटमेंट शुरू की जाएगी. मगर लेटेस्ट रिकमेंडेशंस ये हैं कि एज सून एज डायग्नोसिस इज़ कन्फर्म आप ट्रीटमेंट शुरू कर दें. और ट्रीटमेंट शुरू करने का मकसद ये होता है कि वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशेंसी वायरस, HIV वायरस जो है उसकी जो मकदार है या तादाद जो है वायरस की कॉपीज़ जिस्म में, वो इतना कम कर दें कि वो उस शख्स से किसी और शख्स में मुंतकिल ना हो. राइट. अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई ये शख्स प्रोग्राम देख रहा है और उसको ये महसूस हो रहा है उसके लिम्फ नोड्स में प्रॉब्लम है, उसको महसूस हो रहा है या इम्यून सिस्टम उनका कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो क्या टेस्ट्स हैं डॉक्टर उमेर जो हम ले सकते हैं और जिनके ज़रिए हमें ये पता चले? आम फहम अल्फाज में बताइए, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम अवेयर करें, आगाह करें अपने लोगों को. पाकिस्तान में जैसे आपकी जो रिपोर्ट थी उसमें भी क्या कि तकरीबन 55 सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट HIV का इलाज होता है, जिसमें टेस्टिंग भी है और लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ भी हैं. ये इलाज मुफ्त होता है, ये सारी ज़िंदगी का मुफ्त होता है. ये टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद पता लग जाता है कि ये मरीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो जिसको भी शक हो रहा है उसे चाहिए कि जाके, जैसे आपने एक और बात की शुरू में कि पाकिस्तान में मरीज़ 170 हैं इस वक्त, लेटेस्ट एस्टिमेट 2021 के जो हमारे पास हैं वो 240,000 एस्टिमेशन है. और इन स्पाइट ऑफ सारी कोशिशों के हम अब तक 53,000 मरीज तक पहुँचे हैं. तो हमारा तकरीबन कवरेज 80% अनकवर्ड है.
हम सिर्फ 20% मरीजों तक पहुंचे हैं जिनमें से 10% इलाज करा रहे हैं। तो जब तक टेस्टिंग नहीं बढ़ेगी और जैसे ही मरीज दवाई शुरू कर देता है उसके तकरीबन 90 दिन के अंदर अंदर उसका वायरस कम्प्लीटली सप्रेस हो जाता है और वो मरीज किसी भी सूरत में मुंतकिल नहीं कर सकता। तो हम ट्रीटमेंट को एज अ प्रिवेंशन लेते हैं कि मरीज की जल्द से जल्द इलाज शुरू हो, और इलाज के लिए ज़रूरी क्या है, टेस्टिंग। तो पाकिस्तान जो स्ट्रगल कर रहा है वो लो टेस्टिंग को स्ट्रगल कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ चारों सूबों में मौजूद हैं हुकूमत पाकिस्तान के तआवुन से, सूबों के तआवुन से, लेकिन टेकअप दवाइयों का वो लोग ले रहे हैं जो टेस्ट करा रहे हैं। तो क्रूशल चीज इज टेस्टिंग। जी, यानी कि टेस्ट कराना जरूरी है, और जब अद्वियात फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यानी कि बिल्कुल मुफ्त हैं तो क्यों देर कर रहे हैं आप लोग। लेकिन अब एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, अगेन इसी सवाल से सारे के सारे स्टिग्माज अटैच्ड हैं, एचआईवी एड्स किस तरह फैलता है। डॉक्टर साइमा आपसे पूछना चाहूँगी और बारी बारी मैं तमाम अपने मेहमानों से पूछूंगी, कैसे किसी इंसान को एचआईवी एड्स होता है? एचआईवी एड्स बेसिकली जो ट्रांसमिशन होती है वो फ्लूइड कॉन्टैक्ट के साथ होती है। सबसे ज्यादा जो पावरफुल फ्लूइड कॉन्टैक्ट ऑफ का मोड है ऑफ ट्रांसमिशन वो ब्लड है, देन सेमिनल फ्लूइड है, देन स्लाइवा है, फिर आपके पास ब्रेस्ट मिल्क है जहां से न्यू बॉर्न बेबी को जाता है। ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, किसी सर्जिकल प्रोसीजर में होता है जहां पे अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रिपीटेड यूज ऑफ क्लिनिकल आइटम्स जिस तरह ड्रिप सेट हैं, नीडल्स का रीयूज है। तो ये सारे जहां पे आपका डायरेक्ट फ्लूइड कॉन्टैक्ट आ रहा है विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ये रीजन है। सेकेंडली हमारे पास हमारे मुल्क में प्रीडोमिनेंट स्प्रेड इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स के थ्रू हो रहा था जहां पे दे वर शेयर नीडल्स। नंबर टू, अगर आप देखें देयर इज अ राइजिंग ट्रेंड ओवर द इयर्स, हमने देखा कि इंजेक्शन ड्रग यूजर से बढ़ के हमारा इन्फेक्शन का मोड अब अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की तरफ चला गया है। दैट इज वेदर वी हैव कमर्शियल प्रैक्टिसेस और वी हैव पर्सनल प्रैक्टिसेस वेयर पीपल विद इन सर्टेन नेटवर्क्स टू ऑपरेट विदाउट द यूज ऑफ प्रॉपर HIV prevention or safe sex material. Thirdly, आपके पास जो बात है that is very rare, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे हमारे जो treatment centers हैं वहाँ पे free of cost अदविया और diagnostics provide की जाती हैं, so maximum efforts are there to prevent mother to child transmission और फिर parents को guide करना ताकि वो इफेक्टिवली अपने बच्चों की नशों में नुमा कर सकें, बेसिक उसको प्रिवेंटिव मेडिसिन दे सकें, तो एचआईवी माँ से बच्चे को मुंतकिल होने के चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो गए हैं। हमारे जो पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल है, जो आउटब्रेक्स हमने ओवर द इयर्स देखे, जिस तरह रतोदेरों में हमने देखा, गुजरात में देखा, कोट मोमिन में देखा, सरगोदा में देखा, यहाँ पे जो लीडिंग कॉज आ रही है वो पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस आ रही है। डॉक्टर हसन आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर साहिबा ने कहा ट्रिंग नीडल, ये क्या तरीका है? मैं चाहती हूँ आम अल्फाज में लोगों को बताइए जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, और ब्रेस्ट मिल्क के जरिए, माँ के दूध के जरिए भी मुंतकिल होता है, दिस इज़ वेरी स्केरी। डॉक्टर साहब, जो शेयरिंग नीडल्स है ये बेसिकली उन लोगों में आदत होती है जो नशा करते हैं सरिंजेस के जरिए, वो उनका कल्चर इस तरह का होता है कि वो एक सरिंज में जो भी दवाई है नशे की वो डालते हैं और फिर एक ग्रुप में बैठ जाते हैं, और पहले एक शख्स अपनी नब्स में वो डालता है, फिर वही नीडल और वही सिरिंज दूसरा शख्स और तीसरा शख्स। तो उस ग्रुप में अगर किसी एक को एचआईवी है तो फिर दूसरे को भी लगेगी, तीसरे को भी लगेगी, ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल होती है। तो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की ये स्ट्रेटजी है कि ये जो नशा है, एक तो पहली बात तो ये इस तरह से होना नहीं चाहिए, मगर ये एकदम से नहीं ख़त्म किया जा सकता, इसको तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वीन ऑफ करना होता है, मगर जब तक आप वो कर रहे हैं, वीन ऑफ कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, कम से कम नीडल शेयरिंग की प्रैक्टिस जो है इसको रोकें। तो उनको इससे मना किया जाता है कि
अगर करना ही है नशा तो नई सिरिंज इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद जाया कर दें। और इसके साथ साथ ये लोग आपकी बात सुनते हैं जब आप कहते हैं कि नई सिरिंज यूज करें, इसको रीयूज ना करें। जी जी, ये बहुत अरसे से इस पे काम हो रहा है, 15-20 साल से ज्यादा से हो रहा है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कर रहा है और भी एनजीओज हैं, एक बहुत बड़ी एनजीओ है वो, उनका खास ये इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स पर ही काम है। तो इस पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, मगर उसका कवरेज मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये वन टाइम एफर्ट नहीं है, ये एक सस्टेन्ड एफर्ट है, ये एक डिफ़िकल्ट हाई रिस्क ग्रुप है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर सही तरह से काम कर रहे हों, प्रोफेशनल तरीके से कमिटेड टीम्स हों, तो कामयाबी होती है और काफ़ी हद तक हुई भी है। मज़ीद इसमें काम करने की ज़रूरत है। छोटा सा कमेंट जी, ज़रूर डॉक्टर साहब। मेरा छोटा सा कमेंट इस जवाब में कि जो डॉक्टर हसन अब्बास ज़हीर साहब ने फरमाया, वो फरमाया है जो आईवी ड्रग यूज़र्स हैं, ये बहुत बड़ा एक एरिया है, इस पर काम भी हो रहा है। और जैसे सर ने फरमाया कि इसका कवरेज बढ़ाने की ज़रूरत है, नीडलसन एक्सचेंज प्रोग्राम। दूसरा इशू डॉक्टर सामा ने बताया वो एक और है कि पाकिस्तान में जितनी आउटब्रेक्स हुई हैं वो आमतौर पर इंजेक्शन सेफ्टी के इशूज़ पर हुई हैं, कि हमारे इस्लामाबाद के बाहर जाएँ, पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर्स भी क्वैकरी करते हैं और जो प्राइवेट क्वैक्स हैं, हर मरीज़ का इलाज इंजेक्शन से होता है। मैं मिसाल दूँ, न्यूरोबियन की गोली और सिरप नहीं बिक रही, न्यूरोबियन का इंजेक्शन बिक रहा है। हर इंसान चाहता है कि उसको फ़ौरन ड्रिप लगे, तो गांव में या देहातों में कॉस्ट सेव करते हैं। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसलिए आम आबादी जो नशा नहीं कर रही, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब भी डॉक्टर के पास जाएँ तो कोशिश करें कि जब अगर डॉक्टर सिरप या गोलियाँ या कैप्सूल दे रहा है तो उस पर इक्तफा करें। जो ये हमारा परसेप्शन है कि इंजेक्शन और ड्रिप्स ताकतवर हैं, ये सही नहीं है। साइकोलॉजिकली वो लोग क्योंकि बहुत मासूम हैं, और अगर इंजेक्शन लगाने की जरूरत है या ड्रिप की, तो इसरार करें कि मेरे सामने नई सिरिंज नई ड्रिप खोलें। ये आम पब्लिक के लिए टेक होम मैसेज है, नशे के लिए एक अलग इंटरवेंशन है, आम पब्लिक के लिए ये है कि कभी इंजेक्शन पे इसरार ना करें, डॉक्टर के मशवरे से लगाएं सिर्फ, और ड्रिप और इंजेक्शन की सूरत में नई ड्रिप और नया इंजेक्शन अपने सामने खुलवाएं, इसको इंश्योर करें। डॉक्टर साहब, एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि एड्स सिर्फ मर्दों में होता है। मैंने इंट्रो में भी ये बात कही कि ये मर्द, ख्वातीन, बच्चों और ख्वाजा सराओं में स्पेशली बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ज़रा बताइए कि एड्स या एचआईवी एड्स आपका जिन्स या जेंडर देकर नहीं होता, ये प्रैक्टिसेस या जो भी आपका एक्सपीरियंस हो जिंदगी में, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्दों में हो, किसी भी उम्र के शख्स में हो सकता है, बच्चों में भी, बड़ों में भी, दरमियानी उम्र के उसमें भी, किसी के भी जिस्म में अगर किसी तरह से भी एचआईवी का वायरस दाखिल हो जाए तो वो फिर आगे जाके एड्स भी में डेवलप हो जाएगा। तो और इसमें यह है कि जिंसी ताल्लुकात से क्योंकि ये फैलता है, तो अगर मर्द को है तो फिर उसकी शरीक हयात भी एट रिस्क हो जाती है। और इसी तरह से अगर हमला खातून में एचआईवी वायरस है, तो फिर जो बच्चा है वो दौरान हमल भी हो सकता है और बाद में भी ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए भी हो सकता है। मगर ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे हाई रिस्क केसेस को हम वक्त पे डिटेक्ट कर लें, और वो तभी पॉसिबल होगा जब लोग अपना टेस्ट करवाएं। जी जी, लोग टेस्ट कराएं और जो मालिज हैं उनको भी पता होना चाहिए। जैसे ये डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमला खातून अस्पताल में आती हैं और उनका जब हिस्ट्री ली जाती है और खावंद का अगर हाई रिस्क बिहेवियर है या खातून का खुद हाई रिस्क बिहेवियर है, तो उनका ज़रूर टेस्ट होना चाहिए, बल्कि रूटीन में एचआईवी के टेस्ट होना चाहिए। और फिर अगर पॉजिटिव हैं तो फिर उसकी अद्वियात होती हैं जो वो खातून लें, और फिर बच्चे की जब पैदाइश होगी तो वो 100% चांसेस हैं कि बच्चा नेगेटिव होगा और वो फिर ब्रेस्ट मिल्क से भी ट्रांसमिशन रुक जाएगी। तो हमारे पास बहुत इस तरह के केसेस हुए कि हमला खातून थी जिनको एचआईवी पॉजिटिव थी, मगर बच्चे जो हैं वो उनके हुए और वो नेगेटिव रहे। तो अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अद्वियात मौजूद हैं क्लिनिक्स में, पूरे मुल्क में जाल फैला हुआ है, 50 से ज़्यादा क्लिनिक्स हैं और मज़ीद 20 और क्लिनिक्स भी DHQ लेवल पे पंजाब में और दूसरे सूबों में खुल रही हैं। तो कवरेज बढ़ रहा है और अद्वियात मुफ्त हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे मिसिंग केसेस हैं, 50-60 हज़ार केसेज सिर्फ हमने डिटेक्ट किए हैं अभी तक, 2.5 लाख एस्टिमेट्स हैं, तो ये बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को क्लोज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को डिटेक्ट करें, स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप्स में हमें ज़्यादा
स्क्रीनिंग की स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए, केसेस डिटेक्ट करें, उनको ट्रीटमेंट के लूप में लाएं और फिर इंश्योर करें कि वो रेगुलर ट्रीटमेंट लें। अगर रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो फिर उनकी एचआईवी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगी, वायरस का लेवल बढ़ता रहेगा और दूसरे लोग एट रिस्क होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की, ये बात भी जानना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, क्या एचआईवी एड्स क्योरेबल है? अगर है तो इसका जो लोग ठीक होते हैं उनकी शरह क्या है? दूसरी बात, ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? जी मैं अर्ज़ करूँ, जब एचआईवी स्टार्ट हुआ था तो एक बहुत बड़ा जो मैसेज था ना कि बहुत लाइलाज बीमारी है। फॉर्चुनेटली लास्ट 30 ईयर्स में इवॉल्व हुआ है और बहुत मेजर हमने प्रोग्रेस किए ट्रीटमेंट में। इस वक्त एक गोली खानी है, लाइफ लॉन्ग खानी है, उसके खाते ही मरीज इस हद तक बेहतर हो जाता है कि उसकी प्रोग्रेशन एचआईवी से एड्स में नहीं होती। नंबर वन, हस्बैंड टू वाइफ ट्रांसमिशन रुक जाती है, माँ से बच्चा 100% बच जाता है। अगर माँ ने दवाई खाई हो तो बच्चे को नहीं होगा। इट्स इन पाकिस्तान, इट्स 100% राइट। द ओनली इशू इसमें एडहेरेंस चैलेंज है, क्योंकि हम आमतौर पर मिजाजन 2-3 दिन बाद एंटीबायोटिक नहीं खा सकते, आपने देखा होगा। तो इसमें लाइफ लॉन्ग, चूंकि मरीज का वेट गेन हो जाता है, मरीज की सारी इंडिकेटर्स बेहतर हो जाते हैं। इट इज़ आजकल के दिनों में जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर के क्रोनिक अमराज हैं कि रोज़ाना एक दवाई खानी है ब्लड प्रेशर के लिए या शुगर के लिए, बिल्कुल उसी तरह एक दवाई खानी है, दैट्स इट। और उसके बाद ये जो ट्रीटमेंट है, इसके बाद ना सिर्फ इसकी ज़िंदगी लाइफ यानी इसकी उम्र उतनी ही रहेगी, बल्कि इसके ज़रिए इसकी घर वालों को, अहलिया को और माँ से बच्चे को ट्रांसमिशन नहीं होगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पाकिस्तान में हमारे पास अवेलेबल है। क्या बात है, यानी कि आपने सिर्फ, खुदा ना खास्ता अगर ये सिम्टम्स हैं, आप टेस्ट करवाते हैं और वो पॉजिटिव आता है, आपको सिर्फ एक गोली खानी होगी, टैबलेट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, ताकि आप अपने आप को, अपने आसपास के, अपने लव्ड वंस को, फ्यूचर जनरेशंस को आप एचआईवी से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। डॉक्टर साइमा, कॉन्स्टेंटली ट्रीटमेंट लेना कितना ज़रूरी है? जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बाई नेचर हम लोग कहते हैं कि बस ठीक है, अब हमारी तबीयत बेहतर हो गई है, अब इसकी ज़रूरत नहीं। Constantly इस ट्रीटमेंट को लेना, इस मेडिसिन को लेना कितना जरूरी है पेशेंट्स के लिए? देखिए, एचआईवी के साथ के साथ अगर आप एक खुशहाल जिंदगी, एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो द ओनली की इज रेगुलर मेडिसिन। एक गोली जो आपको रोजाना देनी है, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ओवर द ईयर एचआईवी में बहुत रेवोल्यूशन आई है। हम ये नहीं कह सकते कि ये काबिल इलाज है, बट इसका इलाज मुमकिन है और आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं, शादी कर सकते हैं, यू कैन हैव किड्स, आपकी एक अच्छी जॉब हो सकती है और आप एक कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन सकते हैं। इसकी सिर्फ साइड इफेक्ट जो अगर हो मामूली, उनको भी आपको आपका डॉक्टर गाइड करता है, आपने उसको मैनेज करना है। थ्रू गुड न्यूट्रिशन एंड डेली ट्रीटमेंट आप एक प्रॉपर लाइफ गुजार सकते हैं। That's amazing. अब अगर हम बात करें, जो कि मैंने कहा था कि हम इस प्रोग्राम में ना सिर्फ एचआईवी एड्स पर बात करेंगे कि ज़्यादा तक लोगों तक हम लोग इसकी अवेयरनेस फैलाएं, अब बात अगर की जाए समाजी रवैयों की, स्टिग्मा अटैच्ड टू दिस डिजीज़, इस मर्ज़ के नाम से लोग डरते हैं ना, लोग टेस्ट कराते हैं, इलाज कराना बहुत दूर की बात। मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, मैंने और मेरी टीम ने ये पूरी कोशिश की कि हम किसी भाई या बहन जो सर्वाइवर हैं एचआईवी एड्स के, जो इससे दिन रात लड़ रहे हैं बहादुरी से, वो हमारे शो पर आए, चाहे हम फ़ोन कॉल पर उनको लें, हम उनका नाम जाहिर ना करें। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ भी लोगों तक ना पहुंचे। ये डर है डॉक्टर साहब, पीपल डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि हम सोशली आइसोलेट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि शायद वो इस मर्ज से तो बच जाएँ, हमारे बुरे रवैयों से मर जाते हैं। तो ये आइसोलेशन का प्रोसेस कब ख़त्म होगा, और क्या ये पढ़े लिखे तबके में भी है? ये पढ़े लिखे लोग इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, क्या वो भी पेशेंट्स को आइसोलेट करते हैं जब उनको ये पता लगता है इसको एचआईवी एड्स है? जी, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन एचआईवी के हवाले से अभी तक हमारी सोसाइटी में है, मगर इसको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपने जो एचआईवी के मरीज़ हैं या एड्स के मरीज़ हैं, उनका सही तरह से इलाज नहीं कर सकेंगे, और उनकी जो ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है उसकी एडहेरेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है अगर ये स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन हो, स्पेशली अगर वो हेल्थ केयर सेटिंग में भी बाज़ जगहों पे ये इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ जनरल सोसाइटी में स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने पर काम किया जाए, बल्कि
जो केयर प्रोवाइडर्स हैं और हेल्थ केयर पर्सनल हैं उनमें भी रवैये तब्दील किए जाएं ताकि एचआईवी और एड्स के मरीज जो हैं उनको बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलियात मिलें, क्योंकि पहला कभी ज़माना था कि एचआईवी के डायग्नोसिस जो थी एक डेथ वारंट के साथ उसको तशबी दी जाती थी, मगर अब ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे इलाज आ गए हैं। क्योरेबल नहीं है ये, मगर एक क्रॉनिक डिसऑर्डर की तरह है, ये क्रॉनिक जी, जैसे डायबिटीज़ है, आप अच्छी तरह से एहतियात करें, एक्सरसाइज करें, दवाई लें, अंडर कंट्रोल रहेगी। रूमेटाइड आर्थराइटिस है, आप एहतियात करें, दवाई लें, अंडर कंट्रोल रहेगा। तो ब्लड प्रेशर है, आप दवाई लेते रहें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। इसी तरह से डॉक्टर साहब, ये जो हमारा एक जो प्रॉब्लम है ना, जिसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि हम बार बार बात करें, डॉक्टर साहब गायनेकोलॉजिस्ट को अगर ये पता लगता है ना कि जो माँ हमारे पास आ रही है उसको एचआईवी है या उसको एड्स है, वो माँ का इलाज नहीं करते, वो डिलीवर नहीं करने देते बच्चा। दो एस्पेक्ट्स हैं, एक सोशल एस्पेक्ट है जिससे हम सब गुजरे हैं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कोविड एरा में रह रहे हैं, हर घर में कोविड का मरीज आया या हर इलाके में ऑफिस में। तो जैसे ही हमें पता लगा, मेरे कुलीग जो मेरे साथ बैठा था, रूम शेयर कर रहा था, उसे कोविड था, तो मैंने अपना टेस्ट कराया, और माशरे के अंदर कोविड के मरीजों के साथ थोड़ा सा हमने स्टिग्मा देखा, हमने डिस्क्रिमिनेट देखा, लेकिन आई सल्यूट पाकिस्तान से मुझे कोई इतला नहीं मिली कि किसी डॉक्टर नर्स ने रिफ्यूज़ किया हो। जबकि एचआईवी के अंदर आज के दिन तक मैं बैठा हूँ, सवाए हमारे ट्रीटमेंट फिजिशियन, जो हमारे 55 सेटअप्स हैं पूरे पाकिस्तान में 4 सूबों में, उनके अंदर तो हमारे लोग ट्रेंड हैं और वो मरीज़ को हर महीने देख रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, उनका एक रेपो है। लेकिन इसके अलावा मुझे हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कहीं ना कहीं से इतला मिलती है कि पेशेंट की मैंने सर्जरी करानी है, मैंने पेशेंट की सिंपल मरहम पट्टी करानी है, और डॉक्टर्स को बताया कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ, तो उन्होंने रिफ्यूज़ की। जबकि जो जितनी डब्ल्यूएचओ की स्टडीज़ हैं, मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत बड़ा लोड है हेपेटाइटिस बी और सी का। बी की मैं बात करूँगा, तकरीबन 100 प्रिक्स में से 6-30% चांसेस हैं कि प्रिक हो जाए आपको मॉलेज को, तो उसको बी हो जाएगा। एचआईवी में 1000 प्रिक्स हो तो सिर्फ 1-3 डॉक्टर्स को चांसेस हैं कि उन्हें एचआईवी हो। तो इतना ज़्यादा स्टिग्मा है, विच इज़ टोटली अनसाइंटिफिक। तो मैं, हम दोनों सूत्रों पे काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के तमाम अस्पतालों के साथ, मेडिकल कॉलेज के साथ काम करें कि स्टिग्मा पे हम काम करें, और उसके अलावा जो जनरल पब्लिक के अंदर ये कि एचआईवी खाने से, पीने से, रूम शेयर करने से, गले लगाने से, हाथ मिलाने से नहीं मिलता, ये कंटीजियस डिजीज उस तरह का नहीं है, ये फ्लूइड्स है। अगर मेरे हाथ में एचआईवी का ब्लड भी डाल दिया जाए, मेरी स्किन इंटैक्ट है, मुझे कुछ नहीं होगा। सो हमें इसके लिए एक हमागीर हमजहत, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस दफ़ा वर्ल्ड एड्स डे में हमारा थीम है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करें, यूथ को इन्वॉल्व करें, सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल, हम इस पर भी बात करेंगे, रोल ऑफ मीडिया की भी। जो एक टारगेट हम जिस ऑडियंस को करना चाह रहे हैं इस वक्त, जो मैं जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ, वो है ख्वाजा सरा तबका पाकिस्तान में, जिनके अपने भी उनका साथ छोड़ देते हैं, जिनके वालदैन उनके साथ नहीं, बहन भाई साथ नहीं, उनके पास तालीम नहीं, शऊर की भी कमी है। डॉक्टर साहब, खुदा ना खास्ता एक ख्वाजा सरा को ये तकलीफ़ है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स उनके पास आई डी कार्ड्स भी नहीं होते, बिकॉज शऊर नहीं है, विजडम नहीं है उनके पास। अब मुझे ये बताइए कि एक क्या ख्वाजा सरा अगर आपके पास आता है नेशनल प्रोग्राम में और कहता है कि मेरा इलाज कीजिए, तो क्या उनका इलाज भी मुफ्त होगा या उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी होगी? नहीं नहीं, यकीनन उनको भी वही सहूलियात, हमारे जो एचआईवी के क्लिनिक्स हैं उनको भी वही सहूलियात मिलती हैं जो बाकी सब मरीज़ों को मिलती हैं। मगर जैसा आप कह रही हैं कि ये एक मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, इनको ज़िंदगी के हर शोबे में मुश्किल पेश आती हैं। अगर खुदा नखास्ता किसी को इनमें से हो जाए एचआईवी, तो उसे तो नहीं पता है उसको एचआईवी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उसको अलामत होंगी उसके, मतलब या उसको डायरिया हो रहा है, वज़न गिर रहा है, इन्फेक्शंस हो रही हैं, तो वो तो डॉक्टर के पास जाएगा। अब डॉक्टर के पास जाने में ही अगर उसको जीपी के पास जाने में मुश्किलात पेश आती हैं, वो नहीं ठीक तरह से इलाज करते, तो फिर आगे बात नहीं चलती, डायग्नोसिस नहीं होती। तो ज़रूरत इस बात की है कि उनका ओवरऑल जो उनके खिलाफ स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन और एक नेगेटिव परसेप्शन है, वो एड्रेस किया जाए, और फिर उनको एचआईवी की भी स्क्रीनिंग में आसानी होगी। जी डॉक्टर साहब, एक टर्म यूज़ करता हूँ मैं, विच इज़ डबल स्टिग्मा। एक तो ख्वाजा सरा को बहसियत ख्वाजा सरा माशरे के अंदर, बस स्टॉप पर, लारी अड्डे पे, एयरपोर्ट पे आप देख सकते हैं,
और दूसरा कि जब उस बेचारे को ये बेचारी को HIV हो जाए तो माशरा उसको मज़ीद धुतकार देता है। इसी तरीके से हम फेस करते हैं जो IDUs हैं उनकी फैमिलीज उनको ऑन नहीं करती। अब ड्रग्स इज़ एन एडिक्शन, इज़ अ डिजीज़, तो उसको जब हम उसको जुर्म के साथ जोड़ देंगे तो उसकी माँ बहन भाई ऑफिस वाले भी उसको निकाल देते हैं, तो वो बजाय वापस आने के माशरे का एक सेहतमंद, दुनिया भर में लोग ड्रग्स में जाते हैं और वापस आते हैं, लेकिन अगर माशरा उनको धुतकार देगा तो फिर उसको फिर वापस सेहतमंद होना बहुत मुश्किल है। यानी कि वही बात डॉक्टर साहब के मर्ज से तो बच जाते हैं लेकिन हमारे रवैये लोगों को मार देते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ मिथ्स अटैच्ड हैं HIV एड्स के बारे में, क्योंकि शऊर की कमी है, हम नहीं जानते ये मर्ज क्या है, कुछ मिथ्स भी हैं, खाम ख्यालियाँ हैं जो हम लोगों ने एसोसिएट कर दी हैं। डॉक्टर साहिबा आपसे पूछना चाहूँगी वो क्या मिथ्स हैं इस मर्ज के बारे में जिनको बस्ट करने की ज़रूरत है। कॉमनली जो समझी जाती है, साथ बैठना, बात करना, गुफ्तगु करना, एक ग्लास शेयर करना, सिमिलर यूटेंसिल शेयर करना, इंटरैक्ट करना, हग करना, ये सारे जो मिथ्स हैं जनरली आपको दूर करते हैं एक HIV के मरीज से ताल्लुक रखने में। फिर हम सोशल स्टिग्मा पे आते हैं कि सोशल स्टिग्मा जिसको हम देखते हैं एक कॉमन मिथ है कि जिसको HIV है तो हम उसको सबसे पहले एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं, हम ये जजमेंट कर लेते हैं कि शायद वो एक सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर में मुलव्वस रहे हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कॉज, ये हम सबसे बड़ा स्टिग्मा है, कैरेक्टर असैसिनेशन है जो इसको साइड पे कर देता है। तो ये दो तीन मेजर एरियाज हैं हम देखते हैं जिसकी वजह से HIV इसमें मुब्तला अशखास दोनों ही डबल स्टिग्मा का शिकार हो जाते हैं। जी, यानी कि मिथ्स हैं जिनको बस्ट करना है। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जो बात की ख्वाजा भी और ड्रग यूजर्स की भी, मिथ्स में एक चीज़ ये भी हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए किस तरह फैलता है। जो आम शहरियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान भर के अंदर जो डेंटल सर्जन्स हैं उनमें कुछ रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के और कुछ गैर तस्दीक शुदा जिसे हम क्वैक्स कहते हैं वो बैठे हुए हैं, और डेंटल प्रोसीजर्स के अंदर बहुत चांसेस अगर औजार आलूदा हों, प्रॉपरली ऑटोक्लेव ना हो या डिस्पोजेबल ना हो तो उससे फैल सकता है। डॉक्टर साहब सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, हमें सड़कों पे बैठे हुए दंदान साज का एक बोर्ड नजर आता है और हम सोचते थे ये कौन लोग हैं, तो दे आर बेसिकली क्वैक्स जिनके जरिए ये मर्ज। लाहौर रेलवे स्टेशन पे आप जाएं तो ENT सर्जन भी आपको प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। इसी तरीके से जो भी ऐसे गैर तस्दीकशुदा ब्लड, अनफॉर्चुनेटली जब मैं गया 2016 में लाड़काना में तो हमने ब्लड बैंक देखे और सर ब्लड बैंक को हेड करते वहाँ पे ब्लड बेचने कौन आता है, इंट्रावीनस ड्रग यूजर, जो नशेई लोग, जो ड्रग्स जिनके अंदर चांसेस है वही बेच रहे हैं। हम अपनी फैमिली को जब ब्लड नहीं देंगे तो प्राइवेट ब्लड बैंक में ब्लड कहाँ से आएगा। तो हमने एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को प्रमोट करना है कि हम हेल्दी डोनर दें अपने, हम खुद जाके हैबिट बनाएं माशरे के अंदर, देखें हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमें खून चाहिए तो हम खुद दें अपनी फैमिली को खून, बजाय इसके कि हम खून को परचेज करें वो खून सा। तो इसलिए तस्दीक शुदा और जो गवर्नमेंट के मंजूर शुदा बैंक्स हैं उनसे ब्लड लिया जाए, और इसी तरह कोई प्रोसीजर कराना हो, सर्जरी करानी, तो इंश्योर करें कि उस अस्पताल के औजार तस्दीक शुदा और ऑटोक्लेव हैं, साफ सुथरे हैं। तो जो माशरे के अंदर एक रवाज है ना इंजेक्शन और ड्रिप का, हमें इस साइकिल को तोड़ना है। जी, दैट्स इम्पोर्टेंट। और एक चीज और, अगेन नाक और कान का जो प्रेस जो माशरे में जो खवातीन में चूंकि बहुत कॉमन है, ये नाक और कान के अंदर जो हम जेवरत के लिए करते हैं, पियर्सिंग करवाना, अगर ये आपका अनस्टरलाइज्ड होगा, ये नॉन डिस्पोजेबल होगा, तो आपसे पहले अगर पेशेंट एक्सपोज हुआ है तो आपकी अगर कहीं म्यूकोसा स्किन कटी हुई है तो एक्सपोजर हो सकता है। तो इट इज वन ऑफ द पोटेंशियल सोर्स, मैंने कह रहा कि ये है मगर ये हो सकता है। सिमिलरली शेव भी, अगर आपके पास यानी आपसे पहले कोई पेशेंट आया है उसने ब्लड लगा दिया, आप नॉर्मली जो है हमारे पास कट लग जाता है, छोटा मोटा कट लगता है। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि माशरे के अंदर हम कैसे इसकी ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि हमें बड़ा शौक है कि हमारा नोज पियर्सिंग भी हो, हमारी ईयर पियर्सिंग भी हो, और खुदा ना खास्ता अगर वो नीडल कंटामिनेटेड है, टैटूइंग, लड़कों में टैटूइंग भी, इज दिस ट्रू? या एब्सोल्युटली, इसके लिए यही है कि अच्छे सेंटर्स में जाएं जहाँ स्टेरलाइज इक्विपमेंट हो, अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, इंश्योर करें कि वो स्टेरलाइजेशन का सिस्टम उनके यहाँ ठीक है, बाबर्स के यहाँ पे आपको अगर शेव करवा रहे हैं तो डिस्पोजेबल वो रेजर्स होनी चाहिए, शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने चारों सूबों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटीज़
और हेल्थ रेगुलेटरी हेल्थ केयर कमीशन बनाए हुए हैं, आप किसी मॉलेज से डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं कि जी आप रजिस्टर्ड हैं, उनके मिनिमम स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने चेक किए हुए हैं। तो हमें इतनी शऊर होना चाहिए कि जिससे हम इलाज करा रहे हैं क्या वो मॉलेज जो है वो मुझे सेहत दे रहा है या बीमारी दे रहा है।